जमशेद, तुम ना मुझे ये धमकियां मत दिया करो। तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे और मेरे घर वालों के बगैर कुछ भी नहीं है। ये ससुराल वालों को बैंक समझना छोड़ दो। तुम्हें ना छोड़ दूं? तो छोड़ दो। अगर शादी के बाद भी मुझे मेरे घर वालों के पैसों पर जीना तो प्लीज मुझे छोड़ दो। मशकूर साहब, एक बात बता दूं मैं, आप और आपके सगे बहुत पछताएंगे। ठीक है, तुम्हारे जहरीले इरादों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वो फैसला करूं जो मैंने आज तक नहीं लिया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने ड्रीम्स ना पूरे करूं, अपने बाप को छोड़ दूं क्योंकि जनाब को शादी करनी है। Do not start with me, Ramsha, okay? I respect your ambition. मैं चाहता हूं तुम्हारा हॉस्पिटल बने, but I hope you realize कि हमारी मंगनी को बहुत अच्छा हो चुका है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो कर लो ना शादी। लड़की तुम्हारे घर में मौजूद है, नहीं लाइक है, और तुम्हें एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। किस्सा खत्म कर दो ना आज इसी वक्त। रूही बेटा, ये हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और न ही इस इरादे से कर रहे हैं कि हम कोई बड़ा नेक काम कर रहे हैं। ये तो मोहब्बत के सौदे होते हैं बेटा। तुमने हमें माँ बाप जैसी मोहब्बत दी, इज्जत दी, तो क्या हमारे इतना भी हक नहीं कि हम तुम्हें बिटिया कह सकें? मेरे बच्चा इधर आ। और हम तो रोहेल मियाँ के बहुत एहसान मंद हैं कि उन्होंने हमें तुम्हारी जैसी प्यारी बिटिया दी। उनकी बदौलत मिली ना तुम हमें। मेरे पास आप लोगों की मोहब्बत का और इस खुश का कोई जवाब ही नहीं भेजा ना। आप लोग मेरे बारे में कुछ जानते हैं ना, आप लोगों को ये पता है कि मैं कहाँ से। भी आप लोगों ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा। ऐसा कहाँ होता, ऐसा नहीं होगा। मानते हैं बेटा कि तुम्हारे मुतलिक हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें अपने बेटे पे भरोसा था। हम उसकी नियत को, उसके इरादे को जानते हैं। अब बेटा, आपने अपने शौक से नौकरी की, हमें बहुत खुशी। लेकिन अगर ये ना भी करती तो कोई मसला नहीं। फिर भी बेटा, किसी किस्म की कोई जरूरत हो तो हमसे जरूर कहना, पूरा घर तुम्हारे साथ। हाँ यार, मुझे वो कुछ करना पड़ रहा है जो मेरी नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ ना, जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ उसी से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। पिछले 2 वीक्स में 15,000 सब्सक्राइबर्स ने चैनल छोड़ा है। यार देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हमारे सब्सक्राइबर टूट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम देसी स्टफ नहीं बना रहे। यार वैसे गधे को बाप बनाने में कोई हर्ज तो नहीं। गधी को, चलो मैं एक एपिसोड का सीन तो कर ही लूंगी। ओके बाय बाय, आई सी यू। दाल को भिगोना होगा हमें, दोनों दालों को मिक्स करके। अच्छा, कितनी देर भिगोना है? अगर गर्म पानी में भिगो रही हो तो 20 मिनट भी बहुत है। हाँ, ज्यादा नहीं, वरना ज्यादा भी भिगो सकते हैं, इतना मसला नहीं है कोई। उसके बाद उसको हमने लाल मिर्च, हल्दी, हल्दी की क्वांटिटी हम ज्यादा नहीं करेंगे वरना। अच्छा ओके, सो बताओ फिर। ठीक है, हो जाएगा। ये कुछ एरियाज हैं, They need work. भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम जमशेद, क्या हाल है? कैसे भाई साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठो। थैंक यू। बस मैं ऐसे गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको सलाम करूं। जबरदस्त भाई, एक प्रपोजल है। आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन के काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक कंपनी है, वो एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रही है हाईवे के ऊपर, और उसने मुझे पार्टनरशिप की ऑफर की। मेरे पास इतना सरमाया है नहीं भाई, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। आप इंटरेस्ट लें तो मैं मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। वो तो
ठीक है जमशेद, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड नहीं है हमारी। जी भाई जी, मुझे मालूम है भाई, अब पार्टनर होंगे, स्लीपिंग पार्टनर। मैं जाऊंगा फील्ड पे, बेफिक्र हो जाए। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। फिलहाल तो मुझे एक मीटिंग में जाना है, ठीक है? समीर, ये तुम देख लेना, सही है? ओके जमशेद जी, सॉरी यार, आई हैव टू गो, मैं चाय कॉफी का कहता हूँ, ठीक है? ग्रेट। अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो सिर्फ तुम्हारा साला नहीं बल्कि इस कंपनी का सीईओ भी है। हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की बात ऐसे चलते फिरते नहीं करते बेटा। चलते फिरते क्या मतलब है? मैं प्रपोजल लेकर आया था, और ऐसे नहीं होते तो कैसे होती? ऐसे कैसे बता दी भाई, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, अब वो पैसे तुम खा जाओ क्या प्रोजेक्ट में लगा, तो तुम्हारी नीयत पे डिपेंड करता है ना। और तुम्हारी नीयत का काफी अंदाजा हो गया है मुझे। समीर मैं सीरियस हूँ, प्लीज कहीं मशवरा दो ना। उसके लिए कंसल्टेंसी फी या फिर 50-50 की पार्टनरशिप, नो मुफ्ता। रोहेल को राजी करो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो डील बोलोगी। 50-50 की पार्टनरशिप, डन डील, डन डन। सॉरी, यू वर पिकिंग योर टीथ, प्लीज। तो मैं अंदाजा नहीं मैं कितनी खुश हूँ, एक दिन में 1.5 लाख व्यूज आए मेरी वीडियोस पे, वही रेसिपीज बनाई जो तुमने बताई थी, दाल मखनी, मुर्ग छोले। क्या बात कर रही हो समरीन, तुम्हारे तो ऑलरेडी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस हैं। नहीं यार, कब से फरमाइशें कर रहे थे कि देसी खाने बनाओ, देसी खाने बनाओ, सो फाइनली बना दिए। हाँ तो बस ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तो बहुत सारी देसी रेसिपीज हैं। एक्चुअली मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुक थी, उन्हीं की रेसिपीज हैं। रियली गुड यार, तो अच्छा हो गया। द ट्रैक है, ये आ गई हमारी स्पेशल गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। तुमने मुझे बताया नहीं तुम रूही के साथ बैठी हो। आई मीन व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज भाई, छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते रहे ना तो बंदा आदी हो जाता है, तो बड़े सरप्राइज पे हैरत नहीं होती। वैसे ये कुकिंग से फिलॉसफी तक का सफर आपने अभी शुरू किया है, खुश हैं आज ये बहुत। मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ी सी जेलस हूँ। जेलस क्यों भाई, कल तक मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी एफर्ट्स की वजह से थी, मगर आज से उसमें मैडम का हाथ भी शामिल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कितनी अच्छी शेफ हो तुम समरीन, मैं तो बस यूं ही देसी टोटको से कुछ ना कुछ पका लेती हूँ। इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करके घर पे कदम जमाना शुरू कर दिए। भाई मैं क्या, पूरा सिद्दीकी खानदान इनका दीवाना है। Oh, really? रुहेल भी? उसकी तो फरमाइशें खत्म नहीं होती, ये बना दो वो बना दो, और रुहेल की बदौलत हमें भी अच्छे अच्छे खाने खाने को मिल जाते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बीजान जो कहती है मैं बना लेती हूँ बस। हाँ रुहेल की एक आध पसंद होती है फरमाइश, लेकिन ये लोग बहुत सादा लोग हैं, कोई ऐसा फरमाइश करता नहीं है। रुहेल कब से सादगी पसंद होना शुरू हो गया? जहाँ तक मैं रोहिल को जानती हूँ, रोहिल तो ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, वो तो इन सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं आता। रोहिल इज नॉट सिंपल, उसका तो पूरा लाइफ स्टाइल ही लैविश है ना? मैं खाने की बात कर रही थी, खाने में, खाने की बात कर रही थी। काफ़ी मालूमात है आपको खाने के बारे में, और क्या क्या जानते हैं आप रोहिल के बारे में?
बहुत बेरहम दुनिया है, रहम दिल लोग कम ही हैं इस दुनिया में, और रोहेल उनमें से एक है। अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं और आपसे तो बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत मजबूत रिश्ता है आप दोनों का। खुदा आप दोनों को नजरे बद से बचाए और हमेशा एक साथ रखे। आमीन। भाई लड़कियां जब किसी एक नाम के साथ जुड़ जाए ना तो उसी की होके रह जाती हैं। ये लड़के ही हैं जो इधर उधर मुंह मारते रहते। हाँ लेकिन परवरिश पे डिपेंड करता है लड़कों को। अगर कोई बेवफाई करना चाहे तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। लेकिन बेवफाई के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता ना। और कोई अगर चीट करना चाहे तो कोई इसे रोक भी नहीं सकता। ओके गर्ल्स, लेट्स ऑर्डर समथिंग। से मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है। आज समीन कॉफी पे ले गई थी मुझे, इत्तेफाक से वहाँ रमशा भी आ गई। बहुत मजा आया। आपका जिक्र खैर भी रहा। I hope अच्छे लफ्जों में ही हुआ होगा। मुझे लगता नहीं वैसे आपकी कोई बुराई भी करता होगा। ऐसी बात नहीं है, दफ्तर में जब क्लास लेता हूँ ना सब मुझे हिटलर कहते हैं। देखिए वहाँ तो रोब बनता है, होना चाहिए। आपका और रमशा का कपल बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है वो। मेरे और रमशा का ताल्लुक जो है ना बदलते मौसमों की तरह है, कभी खिजां कभी बहार कभी तपती धूप कभी शदीद सर्दी। यू नो हम कम कम मिलते हैं, उस तरह एक तश्नगी का एहसास रहता है जो कि आई गेस एक ताल्लुक में जरूरी भी होता है। हाँ मोहब्बत तेज रफ्तार ट्रेन की तरह होनी भी नहीं चाहिए ना, हादसे का खतरा रहता है। आप शायद हाँ अपनी ही बात कर रही हूँ मैं। मोहब्बत जब एतकाद की हद तक हो जाए ना तो भरोसा और एतमाद बहुत पीछे रह जाता है। फिर आपको सवाल करने की आदत नहीं होती और लोग जवाब देना छोड़ देते हैं। पता नहीं ये जिक्र मैंने क्यों कर दिया, I'm sorry। कोई बात नहीं। अच्छा ये पिक्चर मुझे भेजे तो। हाँ मैं अभी भेज देता हूँ। मेरा फोन रूम में। ठीक है, I'll send it। ठीक है। हाँ भाई। अच्छा रूही। उदास अच्छी नहीं लगती आप। खुशहाल करें। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप मसरूफ तो नहीं हैं आप? नहीं नहीं, आपके लिए तो मैं कभी भी बिजी नहीं हो सकती। बस हाँ थोड़ी देर में हॉस्पिटल के निकलूंगी। आप बताएं क्या हो रहा था? अच्छा अच्छा बेटा, बस याद आ गई अपनी बिटिया की तो हमने सोचा बात ही कर लें फोन पे। रोहेल के अब्बा भी आपको बहुत याद कर रहे थे, बल्कि हमें रूही ने बताया कि कल आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ वो समरीन ने हमें ट्रीट दी थी ना, तो इसलिए मुलाकात हो गई थी वहाँ पे। बेटा आपके वालिद के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्दी सेहतियाब हो जाएं और अपनी बेटी को अपने सामने अपने हाथ से ही रुखसत करें। आमीन। पापा का तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आपको तो पता ही है। आई थिंक मुझे ना कुछ दिनों के लिए अमेरिका भी जाना पड़े इसीलिए। वैसे तो वहाँ सब मौजूद हैं, चाचा हैं फुप्पो हैं उनकी टेक केयर करने के लिए, लेकिन बीजान वो मुझे ना बहुत मिस करते हैं। एंड आई थिंक मुझे इस मुश्किल वक्त में पापा के साथ होना चाहिए, राइट? अच्छा अच्छा हाँ बेटा, एक बाप के लिए बेटियों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। अच्छा थोड़ा फुर्सत मिले तो चक्कर लगा लो भाई, हम अपनी बेटिया को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों नहीं बीजान, जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है ना हॉस्पिटल से मैं सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, जीती रहो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय। सब खैरियत है? हमशा के वाले साहब की कैसी तबीयत है? बहुत परेशान है रमशा, उसके वालिद की कंडीशन ठीक नहीं है। अब आप ही बताए ना ऐसे में शादी की क्या बात करते हम।
उसको अपने बाप के पास होना चाहिए इस वक्त। कह रही थी कि जाएगी वो अमेरिका उनके पास। ज़ारा बेगम, हालात कुछ इस तरह के हैं ना, कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इंतजार के। रमशा जब तक खुद से ना कहे ना, हम उस पर जोर नहीं दे सकते। हेलो व्यूवर्स, समरीन्स किचन में मैं हूँ आपकी फेवरेट होस्ट समरीन सिद्दीकी। मैं आपके लिए बनाती हूँ आपकी पसंद के कॉन्टिनेंटल डिशेस। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और फीडबैक के लिए कमेंट और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मुझे नहीं भूलते। तो आज हम बना रहे हैं थाई चिकन। इसके लिए मुझे सारी ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए। ब्रोकली नंबर वन। तो हम सबसे पहले ये धुली हुई है ब्रोकली को कट करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इस दुनिया में तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है और कोई भी सीख के तो नहीं आया ना माँ के पेट से। जाहिर है बिना सीखे तो कोई भी नहीं आगे बढ़ा। हर कोई हाथ पांव मारता ही है, एक दफा नाकाम होता है दो मरतबा तैरना आ ही जाता है। असल में ज़ुबैदा बेगम, मशकूर मियाँ में थोड़ा सबर का फुकदान है। बड़े भैया, बात ये नहीं है, बात यह है कि इन्हें भरोसा नहीं है लड़की साथ है ना, इसलिए। हालांकि आप जानते हैं लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, खलाओं में खलाबाजियां कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची दफ्तर जाएगी। हद है। हो गया, बोल लिया सब लोग। तो आप लोग समझते हैं कि मैं कोई कबले मसीह का गारों में रहने वाला कोई इंसान हूं? गलत। कल को समरीन तरक्की करेगी तो उसे मेरा नाम होगा, खानदान का नाम होगा। लेकिन किसी इदारे में काम करने के कुछ उसूल होते हैं। हमारी कंपनी कुछ सेठ हुई कंपनी नहीं है। वी हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हमें जवाब देना होता है, समझिए आप। और तुम जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना कि मैं लड़कियों के घर से बाहर निकलने के खिलाफ हूं, तो भाई मेरी बला से तुम लोग पकड़ो एक मोटरसाइकिल, दोनों माँ बेटी बैठो, कल जाओ शहर। आपको सिर्फ तंज करना आता है और कुछ नहीं। भाई वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। देर नहीं कर दिया आज तुमने आने में? जी बीजान, में बच्चों के टेस्ट चल रहे ना, तो बस रिजल्ट के चक्कर में हो गई थोड़ी देर। अच्छा, हीरा मेरे ही पास ही अभी सो गई है, मैंने उसे कमरे में लिटा दिया, शायद उसके पास ही है। थैंक यू बीजान। देख रहे हैं आप, ऐसे इज्जत होती है नौकरी करने वालियों की, ऐसा ख्याल रखते हैं। हालांकि ये इनकी कुछ लगती नहीं है। ये तो बीजान की मोहब्बत है जो मुझे बिल्कुल अपनों की तरह प्यार करती है, वरना आप ठीक कह रही हैं, गैरों को इतनी मोहब्बत कभी नहीं मिलती। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे लिए कभी गैर थी नहीं, हमने तुम्हें गैर समझा ही नहीं। और वैसे भी बेटा, कानूनी तौर पर हम तुम्हारे सरपरस्त बन चुके हैं। क्या मतलब है? जायदाद दौलत सब में ये हिस्सेदार बन गई है? अरे नहीं जुबैदा बेगम, ऐसा हरगिज नहीं है। रूही को अब जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन खानदानी विरासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, समझिए आप। बीजान, ये बात आप इनको किसी पर्चे पे लिख के दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने लिख के नहीं दिया ना तो ये चैन से नहीं बैठेंगी, और अगर ये चैन से नहीं बैठी तो ये मुझे चैन से नहीं बैठने देंगी। हमारे नाना जान सही कहते थे, इलाहाबादी पदाशी तौर पर साजिशी होते। देख लिया आप, मशकूर मियां, आपकी वजह से पूरे इलाहाबाद को सुननी पड़ रही है। ये हमला हुआ है। होने दे, ब्रिंग इट ऑन। चाय नहीं आई यार। मैं देखती हूँ। देखो बेटा चाय। बेचारी अभी आई है। और माशाल्लाह तुम्हारा आज का फ्लो कमाल का। शुक्र करो इंटरनेट ने तंग नहीं किया, वरना बेड सीन हो जाता। अच्छा, इसकी क्लिप्स एडिट करके आज ही फेसबुक और इंस्टा पे लगानी है, लास्ट टाइम की तरह नहीं। बेफिक्र हो जाओ, मैंने पहले ही कह दिया। अच्छा सुनो, तुम वो
पेमेंट्स का कर देना, लड़के आसरे में होते हैं। हाँ मैंने कैश निकलवा लिया था, बैग में अभी देती हूँ। ये कौन लाए? वो गार्ड कह रहा था कुछ साहब आए थे, वो देखे गए, कह रहे थे मैडम को दे दिएगा। वाह भाई क्या बात है, मतलब फुल सेलिब्रिटी स्टेट। कौन लेकर आया? वो साहब आए थे, वो देखे गए, कह रहे थे उनको दे देना मैडम। देखिए मजीद साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, हमें भी अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक, आप फाइनेंस के साथ बैठे और सजेस्ट करें कि क्या किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। हाय रोहेल, जानती हूँ कि तुम्हारी आदाश माशाल्लाह से काफी अच्छी है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जिसे आपने भूलना लाजमन होता। एनीवे, हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। बेटा तुम्हारा कौन मरीज है यहाँ? मेरा मतलब है कि फैमिली में से या कोई दोस्त वगैरह? दरअसल मैं यहाँ पर, मेरे तो शौहर बीमार है, डेंगू हो गया था उन्हें, अब तो बहुत बेहतर है। यहाँ एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, अल्लाह उसे जिंदगी दे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, बहुत ही खुदा तर्ज बच्ची है। मेरे कलीम का उसने इतना ख्याल रखा, मैं क्या बताऊँ। लो वो आ गई। हाय। हेलो। तुम्हारे कुछ मरीज थे, तुम्हारी मुस्कुराहट देख के ठीक हो जाते होंगे। वेरी फनी, अगर मरीज मुस्कुराहट देख के ठीक हो रहे होते ना, तो फिर सारे हॉस्पिटलों में हर मरीज के सामने मोनालिसा की पेंटिंग होती और मरीज यूं ठीक हो रहे होते। अच्छा, मोनालिसा की पेंटिंग में आई डोंट नो, वो मुस्कुराहट है या क्या है, कर्व है, मुस्कुराहट है, समझ नहीं आता, बट Of course, that's a great painting. Nice, good analysis. I must say ke it's a good compliment. Aapko Mona Lisa ki tasveer mein muskurane nahi dikhai di, balki mere andar dikhai di. Nice. Trust you for being lame. You shot. Ab jaldi se kuch lunch ke liye order karo, tumhare liye chhod ke aaya hu apna lunch man. Anyway, kya khaoge? ये जो तुम कंस्ट्रक्शन वाला आइडिया रोहेल के पास ले गए हो, मुझे नहीं लगता इससे कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों कह रही हो भाई? क्योंकि रोहेल कभी भी किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालता जिसकी ड्राइविंग सीट पे वो खुद ना बैठा। तो बिठा रहे हैं ना ड्राइविंग सीट पे उसको, और कंस्ट्रक्शन के काम में जितना पैसा है तुम भी अच्छी तरह जानती हो, रोहेल भी, तुम समझाओ ना उसे। पतक के बच्चे को तैरना सिखाऊं मैं? ओ मिस्टर, कुछ नया लेकर आओ। अरे नया ही तो लाया हूं, अब क्या नया लाऊं? इतनी मुश्किलों से मैंने एक सेठ को राजी किया है, और किसी की जेब से पैसे निकालना कितना मुश्किल काम है तुम अच्छी तरह जानती। ऐसे आपस की बात है, ये कंस्ट्रक्शन का सीन है भी या ऐसे ही? तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? और तुम मेरे साथ 50-50 की पार्टनर हो ना? पार्टनर सिर्फ आईडीए में हूँ, फ्रॉड में नहीं। फ्रॉड का जिक्र कहां से आ गया, और मैं कब कर रहा हूँ फ्रॉड करने का? सुनो, तो मेरे साथ चलो कंस्ट्रक्शन की साइट पर, अगर तुम्हें साइट पसंद नहीं आएगी हमारे ड्रॉप कर। देखते हैं। जुबैदा, चाय मंगवाओ ना तो शक्कर दो चमचे डलवाना, बड़े वाले। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रही थी, बस अब आप जैसे एक दो ही खानदानी लोग बचे जो हमें याद कर लेते, वरना आजकल तो भारी भार ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। आप पे भरोसा है इसीलिए आपको बुलवाया।
और समरीन बरसरे रोजगार लड़की है, इस घर में उसका हिस्सा भी है। कल को माशाल्लाह जहां भी जाएगी बोझ नहीं बनेगी, बोझ उठाएगी। ना रंडवा हो, ना उम्र रसीदा और ना तलाक याफ्ता, बराबर की उम्र का होना चाहिए। अगर पैसे में कमजोर भी हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम देख लेंगे। ये बन्नो, मैं रहती तो करंगी में हूँ, पर काम मेरा सारा डिफेंस, क्लिफ्टन, भाद्राबाद और नर्सरी का होता है। अरे ये हल्के खानदानों को तो मैं मुंह भी नहीं लगाना पसंद करती हूँ। बस अब तुम लोग हो जाओ बेफिकर, फवाद खान जैसा ना ढूंढा तो बिल्किस नाम बदल देना मेरा। ये फिर से आ गई? मैंने कितनी बार कहा है मैं शादी करूंगी अपनी मर्जी से, देखभाल के सोच समझ के। लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है, ये नहीं कि ये ले आए किसी भी अनशन नफ्सियाती का रिश्ता। हमें 2 ही महीने में रोती पिटती वापस घर में। अरे बहन, तुम्हारी बिटिया तो बड़ी भारी चल रही है। बिल्किस, हकीकत जरा तल्ख है। आजकल की लड़कियां पहले जैसी नहीं है, वो अपना तहफ्फुज़ चाहती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। सुनो, तुम रिश्ता दिखाओ, अगर लड़का पसंद आ गया तो उसे खुद देख लेगी, शादी तो इसी को करनी है, फैसला भी इसे लेना है। आइंदा मुझे ये नजर ना आए। क्या बोल रही है ये? अरे कुछ नहीं, वो कह रही थी चाय भिजवाती हूँ आपके लिए, तुम ये लो ना, बहुत अच्छे बिस्किट हैं ये, स्पेशल तुम्हारे लिए बुलाए। हाँ हैं तो बहुत अच्छे, अब बस जल्दी से चाय भी मंगवा लो। बिटिया तो कहाँ होती हुई नजर ही नहीं आती, कैसे चल रहा है स्कूल? अच्छा चल रहा है स्कूल। चाल चले बड़े भैया, चाल स्कूल यार, चाल तो चलते। बैठो बेटा, बैठ बैठ बैठ। कैसा है सब कुछ? बेटा हम तुमसे तफसील से मिलते हैं, पहले उनको हरा दें फिर तुमसे मिलते हैं तफसील से। खेल जो है मशकूर मियां, हार जीत का हिस्सा है, आप जीते हम हारे, बात तो एक ही है, क्यों बिटिया? अब जी बड़े बू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखा, ये है इनके हार से बचने के हर में, काम नहीं आएंगे ये। भाई एक कॉफी का ब्रेक ले लेते। ये चली है चाल, देखा ये है असल में चाल, ये चली है। आप कॉफी का ब्रेक ले लेते हैं। क्या मजेदार कॉफी बनाई तुमने, इसे कहते हैं टैलेंट, इसके हाथ में टैलेंट है, इसका होना चाहिए यूट्यूब चैनल, नहीं? बिल्कुल। क्या कहते हैं वो लफ्ज होता है, वो पंजाबी में लफ्ज है, वो स्वाद, 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 स्वाद आ गया। सही सही करूँ ना मैं? सही करूँ जी जी बिल्कुल। असल में बात है मशहूर मियां तरबियत की। देखा कैसी है, उन्होंने गुफ्तगू को शतरंज से तरबियत पे लेकर आए, ये चालें नहीं चलेंगी, आप यहां करें कॉन्सेंट्रेट। बेटियों के हाल चाल पूछते रहना चाहिए, चाहे वो घर में रहें या ससुराल चली जाए। मेरी ये बिटिया तो जिंदगी के तपती धूप से गुजर कर आई है। इसके चेहरे पर सुकून देखता हूँ तो मुझे भी इत्मीनान होता है। नहीं, आप लोगों की मोहब्बत ने और शफकत ने मुझे नई जिंदगी दी है। नहीं बेटा, तुम्हारी मोहब्बत है, लगन है, मेहनत है, इसी बात नहीं। सही कह रहे हैं मशकूर, अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, और अपना कीमती वक्त देने का हमें बहुत शुक्रिया, खुश रहो।
थैंक यू पूरी। चले भाई अब चलते हैं चाल। तवंगर माली के किश्वर तख्त नाफ़सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मिसेस स्टिकी की बहू है ना? नहीं, ये इनकी दोस्त लाहौर में रहती है ना, ये उनकी बेटी है। ओ अच्छा, मैं काफी अरसे से इसको यहाँ पे देख रही हूँ। यही इसकी बच्ची भी यहीं पर हुई है। भाई जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे मैं तो ये देख रही थी कि तुम्हें भी कुछ पता है कि नहीं। सुना है कि इसका ताल्लुक उनके बेटे से है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। ये उसके साथ ही तो आई है। अच्छा, ये जो नौकरानी है ना इनकी, ये मेरी बहन के घर काम करती है, उसने मुझे सब बताया है। अच्छा, पूरी मालूमात मालूम करो। हाँ मैं पता करवाती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला। आदाब। कौन? अम्मी जान चांद का टुकड़ा कहती थी और अब्बा जान कभी नालायक कभी नाफरमान कहते थे, और जो मोहब्बत करते हैं वो मुझे जिगर कहते हैं, लेकिन असल में इस नाचीज का नाम है शामिर। ये सब मुझे बताने का मकसद? देखिए ना ही मुझे खाना खाने का कोई खास शौक है, ना ही पकाने का शगफ है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर फॉलोअर हूँ। सिर्फ आपकी वजह से देखता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंदाजे बयां, आपका ड्रेसिंग सेंस, और सबसे बढ़कर आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। और उसी मुस्कुराहट से मिलते जुलते फूल मैंने आपको भिजवाए थे, आई होप कि अभी तक महक रहे होंगे। ओह, इट्स यू। वैसे ये मुनासिब वक्त नहीं है किसी अनजान लड़की को कॉल करने का, और हर बार आपको आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बचा सकता। देखें, आपका शो और आपकी पर्सनालिटी दोनों ही तारीफ के काबिल। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक टेक्स्ट आपको ड्रॉप कर दूं, ताकि मेरा डर भी खत्म हो जाए कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी। मैं जानता हूं बहुत बिजी हैं, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। टेक केयर, बाय। मैं कमल मैम, बैठो। दरअसल सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि स्टाफ के साथ शेयर किए बगैर कोई चारा नहीं था। स्कूल के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कूल का रेंट है, बिजली का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, हर महीने मुझे अपनी जेब से 3-4 लाख रुपए लगाना पड़ता है, और अगर यही हालात रहे ना तो स्कूल बहुत जल्द बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि बच्चों की फीसें अभी बढ़ाई जाएं। अल्लाह बेहतर करेगा,
मुझे लगता था मैम मेरी स्ट्रगल शायद खत्म हो गई है, सुकून आ गया है जिंदगी में, लेकिन अभी बहुत इम्तिहान देने हैं मुझे। शायद स्कूल अगर बंद हो गया ना तो हम सब फारिग हो जाएंगे। फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन फिर भी तुम साथ साथ कोशिश करो किसी जॉब के लिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, कोई अगर अच्छा पार्टनर मिल गया, कोई अच्छी डील हो गई, बस तुम दुआ करना। नहीं, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो आपके साथ। कोशिश तो कर रही होगी कि जॉब तो मुझे करनी है मैम, जॉब तो करनी है मुझे, लेकिन मुझे पता है इतना अच्छा माहौल मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। शुक्रिया, गुड लक। अरे वाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है और चूड़ियां भी पहनी जा रही हैं आज तक। एक मिनट, मैंने तुम्हारा सदका उतार। अल्लाह अम्मी बस करें। बेटा जिन आशिकों चाहते हैं इसलिए जरूरी है सदका उतारना। अल्लाह सुबह सुबह डरा रही हैं और अब जिन भूत ही रह गए मुझ पे आशिक होने के लिए। वैसे आज तक तुम इस तरह से चूड़ियां पहनकर इस तरह से तैयारी करके ऑफिस कभी गई नहीं हो, सब खैरियत है? यारी अम्मी आप बस मेरे लिए दुआ किया करें। ठीक है, चलती हूँ। हलाफिज। हलाफिज। मेहरबान।